तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को देखेंगे और कंपेयर करेंगे शिबा इनू के साथ में कि क्या शिबा इनू अगर बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है तो बेबी डोज क्वाइन बाइनांस पे लिस्ट क्यों नहीं हो सकता है। गैस जैसा कि आप सभी को पता है कि कंटेंट रिसर्च करने में और सारी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसके लिए प्लीज़ आप हमें एक लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हे गाइज, वेलकम अगेन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी डोज क्वाइन के बारे में कि क्या बेबी डोज क्वाइन को बाइनांस पे लिस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर इसके करंट प्राइस को आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि करेंटली इसके आगे जो है 80 है, उसके बाद नंबर है 2834। सो ये नंबर पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर में, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये थोड़ा बुलिश की तरफ हो रहा है इसका मूड। सेवन डेज के चार्ट को अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना डाउन था, उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर वन मंथ के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वन मंथ में अभी भी ये लो पर है। और अगर तीन महीने के चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ सही चल रहा है। सो यहाँ पर हम लोग अभी बात करते हैं कि क्या ये बाइनांस पर लिस्ट हो सकता है या नहीं। तो बाइनांस पे लिस्ट होने के जो क्राइटेरियाज है आज हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइस कि इसका जो करेंटली टोटल सप्लाई है जो सर्कुलेटिंग में है वो कितना है। तो 159 कॉटिलियन है, उसके साथ ही साथ इसका जो टोटल सप्लाई है यहाँ पर 420 कॉटिलियन है, जिसमें कि 159 कॉटिलियन जो है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और वहीं पर अगर मार्केट कैप की बात करें तो 451 मिलियन इसका मार्केट कैप है, तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बाइनांस पे लिस्ट होने के क्राइटेरियाज क्या है। cointelegraph.com का यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है उन्होंने क्या रिवील किया कि कैसे कोई क्रिप्टो करेंसी बाइनांस पे लिस्ट होता है। यहाँ पर जो सबसे मेन क्राइटेरिया है बाइनांस पे लिस्टिंग का वो है नंबर ऑफ द यूजर्स। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बाइनांस के सीईओ खुद कह रहे हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने फोर्ब्स के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए ये सारी चीज़ें को डिस्क्लोज़ किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स वो देखते हैं कि कितने एड्रेस जो होते हैं ब्लॉकचेन पे उसको होल्ड करके रखते हैं, साथ ही साथ उनका जो सोशल मीडिया में ऑडियंस किस तरीके से उसके बारे में कमिटेड है एंड उसके बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को देखेंगे और कंपेयर करेंगे शिबा इनू के साथ में कि क्या शिबा इनू अगर बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है तो बेबी डोज क्वाइन बाइनांस पे लिस्ट क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे अभी बेबी डोज क्वाइन के बारे में, तो बेबी डोज क्वाइन आप देख सकते हो जो पहला क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि पहला क्राइटेरिया को ये किस तरह से क्रॉस कर रही है। यहाँ पे बी अ पार्ट ऑफ बेस्ट कम्युनिटी इन क्रिप्टो, 1.4 मिलियन होल्डर्स एंड काउंटिंग। तो होल्डर्स के मामले में डेफिनेटली ये बहुत आगे निकल चुका है और इसके बारे में ही हम बात करने वाले। अगर शिबा इनू के होल्डर्स को अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 1.1 मिलियन के आसपास में इसका है। तो होल्डर्स के मामले में जितने होल्डर्स शिबा इनू के पास है तकरीबन उतने ही होल्डर्स बेबी डोज क्वाइन के पास है। तो अगर शिबा इनू लिस्ट हो सकता है बाइनांस पर, आप यहां पर देखोगे तो शिबा इनू लिस्टेड है बाइनांस पर, तो अगर ये लिस्ट हो सकता है तो डेफिनेटली बेबी डोज क्वाइन भी लिस्ट हो सकता है। एंड जो सोशल मीडिया के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो पूरा सोशल मीडिया आप देखोगे तो बेबी डोज क्वाइन जबरदस्त यहाँ इनकी कम्युनिटी है और अच्छे तरीके से इनको प्रमोट भी करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेबी डोज क्वाइन का एक जो डेबिट कार्ड टाइप का कार्ड है उसे भी इशू किया जा चुका है। सो डेफिनेटली बेबी डोज क्वाइन मेरे हिसाब से करेंटली ये सारे क्राइटेरियाज को मीट करता है बाइनांस पे लिस्ट होने का। यहाँ पर अगर एक बार बाइनांस पे अगर लिस्ट हो जाए बेबी डोज क्वाइन तो आप कह सकते हो कि 2-0 तो ये आराम से ख़त्म करेगा और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये एक था छोटा सा अपडेट बेबी डोज क्वाइन के बारे में। आपको क्या लगता है बेबी डोज क्वाइन के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है गाइज कि बेबी डोज क्वाइन बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है नहीं, वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।